मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। धार्मिक स्थल, होटल्स, मॉल्स और ऑफिस को निर्देश दिए गए हैं मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजर प्रयोग किया जाए और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों में मान्य होंगे अब कई नियम। जूते चप्पल को बाहर ही रखना होगा। प्रवेश से पहले हाथ पैर साबुन से धोने होंगे। मूर्ति, प्रतिमा, किताबों को स्पर्श की अनुमति नहीं दी गई है। तो केंद्र गृह मंत्रालय ने निर्देश यहां पर जारी किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा, मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अवैश उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैश, जानना चाहेंगे और क्या कुछ निर्देश यहाँ पर केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए? जी बिल्कुल, इससे पहले भी केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को लेकर और सार्वजनिक स्थलों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसका सख्ती से पालन नहीं होता। दोबारा गाइडलाइन जारी की गई और ये कहा गया है कि राज्य सरकारें जो हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसका सख्ती से पालन कराएं। और इसमें साफ तौर से कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल में आता है तो उसे जूते चप्पल जो है वो बाहर उतारने होंगे और जो लाइन लगेगी धार्मिक स्थल या शॉपिंग मॉल में अंदर जाने के लिए उसमें कम से कम 6 फीट की दूरी जो है वो अनिवार्य होगी। उस लाइन में भी 6 फीट की दूरी बनाना होगा। इसके अलावा जब आप धार्मिक स्थल या मॉल जाए तो वहां पे रुमाल से चेहरे को कवर करना या फिर कपड़े से या फिर मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य होगा। हालांकि उसके बाद जो है इन सभी चीजों का डिस्पोज ऑफ करने के लिए सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करेगा, ये भी जो है गाइडलाइन में कहा गया। इससे पहले प्रवेश से पहले हाथ और पैर जो होंगे वो साबुन से अच्छी तरह धुलने होंगे। बना रखे अवैध, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।